मेरा अपना जो मानना है, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो ये मानते हैं कि बाजार और पूंजी और तमाम चीजों के बावजूद के कारण मीडिया में काम करना, डिलीवर करना बहुत संभव नहीं है। मेरा ये मानना है कि कितना भी चालाक, कितना भी धंधेबाज और बाजारवाद का तक कोई मालिक हो, 16 पेज के अखबार में वो 15 पेज, 15.5 पेज अपने मतलब की खबरें डलवाएगा, मैं आधे पेज में ऐसी खबरें डाल दूंगा वो 15.5 पेज उसके व्यर्थ हो जाएंगे और मेरी बात जनता तक। यदि हम दरअसल के बारे हमको सोचना चाहिए, अगर हम पत्रकार हैं क्यों बने पत्रकार, क्या कुछ और नहीं बन सकते थे? कहीं ना कहीं पत्रकार बनेंगे तो बहुत सारी और भी जो उसके पीछे कारण रहे होंगे, उन सब के साथ एक कारण सबके मन में ये रहा होगा कि जो कुछ हमारे आसपास ठीक ठाक नहीं हो रहा है, कहीं कुछ बात गड़बड़ हो रही है या वो ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गिरजा शंकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और मीडिया संवाद में कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। जानना सर, सोशल मीडिया का किस तरह से योगदान है वर्तमान परिदृश्य में? सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अभी, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उससे थोड़ा अलग इस नाते है कि इसमें कोई मालिक नहीं होता, कोई संपादक नहीं होता, कोई संपादन और जो तथ्य है उनको जांचने परखने की बहुत कोई व्यवस्था होती नहीं, तो कई बार इस मीडिया का दुरुपयोग भी हो जाता है। तो जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं या उस मीडिया में काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद उसके संपादक हों, खुद रिपोर्टर हों और खुद ऐसी जानकारियों को तथ्यों के साथ पूरी छानबीन करने के बाद वो उसमें दें, ताकि उनकी सोशल मीडिया में आने वाली जानकारी जो है वो समाज के लिए उपयोगी हो, रचनात्मक हो। जैसी प्रमुख चुनौतियां जो लगता है कि आने वाले समय पत्रकारों को देखने को मिलेगी, पत्रकारिता के लिए भी हमको लोगी, वो क्या होगा? सबसे बड़ी चुनौती है कि आज पत्रकारिता और पत्रकार की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, लोग यकीन नहीं कर रहे हैं पत्रकारों पर और उनकी पत्रकारिता पर। इस चुनौती से निपटना सबसे पहली जरूरत है, और कैसे वो विश्वसनीयता फिर कायम हो कि जिसमें लोग उनकी बातों को गंभीरता से लें और पत्रकारों को अपने तथ्यविहीन चीजों के लिए कहीं माफी मांगने की स्थिति में न आना पड़े, इस बात पर उनको देखना जरूरी है। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे। और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट, ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।